नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन और कल के मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल हमारे तीनों ही इंडेक्स पॉजिटिव में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो है इंटरनेशनल बाजारों के सेंटिमेंट्स के कारण जो है काफी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी। मार्केट जो थे कल परसों के पॉइंट से हायर ओपन हुए थे। शुक्रवार के बाजार से हाईएस्ट पॉइंट तकरीबन 3 बजे के आसपास मार्केट ने टच किया था। सारे सेक्टर में बढ़त देखी गई थी, सिर्फ एक आईटी सेक्टर था जिसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन और यूएस के मार्केट फ्लैट थे। जापान का मार्केट तकरीबन 1.5% बढ़ा था। हम स्टॉक्स की बात करें, खबरों में जो रहे तो वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ की डील साइन की है नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ। तो ये अपना 4G नेटवर्क बढ़ाएंगे जिससे इनके रेवेन्यू में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस कारण इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको तेजी देखने को मिलेगी। भेल को तकरीबन 6,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से, तो ये भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव न्यूज है भेल के लिए। ONGC ने अजरबैजान की कंपनी के साथ कैस्पियन सी में ऑयल का एग्रीमेंट साइन किया है, तो इस स्टॉक में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अडानी टोटल गैस है, इसको तकरीबन 375 मिलियन की फंडिंग मिली है इंटरनेशनल बैंक से। तो इस कारण से क्या है कि इसका कैश फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं हम M&M फाइनेंस की बात करें तो इसके बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डेट इशू करने का निर्णय लिया है। NBCC को दरभंगा में एम्स बनाने का 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है, आपको तेजी दिखाई देने को मिल सकती है स्टॉक में। आयनॉक्स विंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तकरीबन 2200 करोड़ का, एक तरह से उधारी है, तो ये एक तरह से आप कह लीजिए नेगेटिव न्यूज ही है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं चल रहे तभी कंपनी उधार उठाती है। वहीं अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इन्होंने QIP इशू किया है 109 रुपए पे। कोल इंडिया ने जो है RRVUNL के साथ थर्मल पावर प्लांट का एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है कोल इंडिया के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री, ONGC, वेदांता और ऑयल इंडिया, इन्होंने इंडिया की ऑयल फील्ड जो है उसके लिए बिडिंग की है। अब देखते हैं इनको कितनी मिलती है, बट आपको स्टॉक्स में हलचल दिखाई देने को मिल सकती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुजरात में, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, आपको स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। PGR एनर्जी सिस्टम के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, चेन्नई म्युनिसिपैलिटी ने इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 400 करोड़ का वो टर्मिनेट कर दिया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन का आपको इनके टर्नओवर और प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो देखिए डाउ जोन्स अभी तकरीबन स्लाइटली नेगेटिव में है, बाकी S&P और नेस्डेक दोनों ही पॉजिटिव में है। यूरोपियन बाजार की बात करें तो फ्रांस का, जर्मनी का और यूके का तीनों ही बाजार पॉजिटिव में है। अभी जो सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई है वो जर्मनी के बाजार में देखी गई है। अगर हम एशियन बाजार की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले ट्रेंड है। अगर आप देखें तो कोरिया का बाजार पॉजिटिव में है, जापानीज बाजार 1.5% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और बाकी मार्केट अभी खुलने बाकी है। स्टॉक जिन पे आज हमें नजर बनाए रखनी वो है आइडिया, SBFC, वर्टोज, यस बैंक और GATEC। अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी देखिए बुल नोट पे तकरीबन 25,939 पे बंद हुआ था। अभी जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 25,980 और पहला सपोर्ट है 25,872 का। हमें तकरीबन अलर्ट हो जाना है 25,888 के लेवल से और लॉन्ग पोजीशन सारी 25,843 से हमें अपनी सेल कर देनी है, क्योंकि इसके बाद आपको काफी ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,105 पे बंद हुआ था, ये भी बुल नोट के साथ बंद हुआ था। पहला रेजिस्टेंस का 54,288 है और पहला सपोर्ट की बात करें तो 53,832 का है। अगर स्टॉक से बात करें जिनमें सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई थी वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इनमें तकरीबन 3.5% की बढ़त देखी गई थी। बजाज ऑटो, ONGC, हीरो मोटो और SBI लाइफ। स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई थी वो थे आयशर मोटर, दीवी लैब, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के मोस्टली स्टॉक है उनमें आपको गिरावट देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। FII डेटा की बात करें, देखिए FII पिछले 2 सेशन से खरीदारी ही कर रहे हैं, तकरीबन 14,000 करोड़ की खरीदारी की थी FII ने और DII ने भी खरीदारी की, तो नेट नेट आप मार्केट में देखें कैश फ्लो बढ़ा है, इस कारण से आपको मार्केट में तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं IPO की बात करें तो मानवा फाइनेंस का IPO आज ओपन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।